नमस्कार दोस्तों, मैं अच्छा हूं और उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं घूमने के लिए महाकाली केव्स, जो कि दोस्तों अंधेरी ईस्ट में आता है। दोस्तों, महाकाली केव्स अंधेरी से 3.5 किलोमीटर दूर है, बांद्रा से 13 किलोमीटर दूर और बोरीवली से 14 किलोमीटर दूर है। तो आप मुंबई के जो भी लोकेशन, आप जहाँ पर भी रहते हैं और आपको जो स्टेशन नज़दीक लगे, आप वहाँ से इजली आ सकते हैं। और अंधेरी ईस्ट आके वहाँ से आप अंधेरी ईस्ट में जो है बस स्टॉप है, वहाँ से आप 333 नंबर का बस से आप यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों, आपको महाकाली केव से आने के लिए अंधेरी ईस्ट बस स्टॉप से आपको 333 नंबर का जो बस है, आपको उसी से आना पड़ेगा, जो कि उसका चार्ज है मात्र 5 रुपये और वो केव के बाहर छोड़ देगा। दोस्तों, इस गुफा का एंट्री यहाँ से होती है। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ सूचनाएं हैं जो हम गुफा जब जाएंगे घूमने के लिए अंदर, तो हमें इसके जो गाइडलाइंस है इसे फॉलो करना होगा। दोस्तों, ये जो महाकाली केव्स है ये गवर्नमेंट के अंदर में आती है, तो इसलिए इसका चार्ज जो है 20 रुपया है, जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन यानी कि कैश यहाँ पर नहीं चलता है। ये रास्ता, ये मेन रास्ता है गुफा की तरफ आने वाली। और ये जो गुफा आपको सामने दिख रहा है, ये पहला गुफा है। और इससे इसके लेफ्ट में भी एक गुफा है और इसके साथ 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 में और भी बहुत सारी गुफाएं हैं। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। कृपया फूल पत्ती तोड़ना, पेड़ों पर चढ़ना, लेन में खेलना कूदना एवं कचरा फेंकना अथवा डालने के लिए सख्त मना है। और ये दोस्तों, ये है डस्टबिन, आप इसमें कचरा फेंक सकते हैं। दोस्तों, महाकाली केव्स में टोटल 19 गुफाएं हैं। आप गूगल पे भी गूगल टाइप करके आप चेक कर सकते हैं। तो हम अब देखने वाले हैं एक एक करके सारी गुफाएं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मैं इधर से ही आया हूं। और दोस्तों, ये जो है, ये है पहला गुफा, जो कि इसका रास्ता इधर से जा रही है। इधर से ऐसे 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 करके आप यहाँ आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि गुफा के बाहर एक गार्डन भी इन लोगों ने मेंटेन कर रखा है। दोस्तों, अभी घड़ी में जो टाइम है अप्रॉक्सीमेटली 3:30 बज रहा है और अभी 3:30 बजे बाहर बहुत तेज़ धूप है गुफा से बाहर, तो जिसके वजह से बहुत पसीने भी आ रही है। लेकिन जैसे ही हम गुफा में घुसते हैं तो गुफा में ठंडक लगता है, मतलब कूल महसूस हो रहा है। मैं आपको जाके दिखाता हूँ गुफा के अंदर। तो दोस्तों, मुझे गुफा के अंदर एकदम से कूल ठंडक जैसे ऐसा लग रहा है कि इसी का जो टेम्परेचर है ना 25 पे किया हुआ है, 24-25 पे इस तरह का टेम्परेचर लग रहा है। और बाहर निकलते हैं गुफा के बाहर तो इसका बाहर का टेम्परेचर जो है करीब 35 के आसपास है। तो ये है, मतलब कि कहीं पर भी आप गुफा में जाओगे ना तो आपको ऐसा ही लगेगा, कूल लगेगा, ठंडा लगता है। आपको कई जगह गुफा के आसपास इस तरह के वाटर टैंक्स देखने को मिलेगा। यहाँ भी है एक, यहाँ भी है और मोटर भी लगा रखा है। और दोस्तों, और इस तरफ भी है वाटर टैंक्स, ये देख सकते हो वाटर टैंक्स यहाँ पे भी है। और यहाँ पे सांप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखो, जो कि बड़ा ही यूनिक देखने में लग रहा है। तो दोस्तों, मैं घुसने वाला हूँ गुफा नंबर 1 में। ये देखिए दोस्तों, ये भी है, ये केव्स थोड़ा छोटा लग रहा है, इसके बाजू वाला है जो थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पे भी वाटर टैंक्स है और इसमें पानी भी है। और हम जाके देखते हैं, और यहाँ पे भी वाटर टैंक्स है, ये इधर भी है और इस तरफ भी है। दोस्तों, काफ़ी यूनिक लग रहा है यहाँ पर, और इको साउंड आ रहा है, इको साउंड हम जो भी बोल रहे हैं उसका रिपीट आ रहा है, आपको भी सुनाई दे रहा होगा। और यहाँ पे देखो कितना मस्त बैठने वाला है, यहाँ पे हम बैठ सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, दरअसल पुराने टाइम में जो है ना, ये एक मेडिटेशन का भी फेमस केंद्र हुआ करता था, तो इसलिए इस तरह का आपको जो है स्ट्रक्चर दिख रहा होगा।
ये जो बैठने वाला है ये मेडिटेशन के लिए है, तो आप कुछ सिनेमैटिक शॉट्स को एंजॉय कीजिए। ये है पहला, ये है दूसरा, उसके बाद तीसरा चौथा इस तरह से जा रहा है। तो दोस्तों बड़ा ही यूनिक लोकेशन है यहाँ का, आप यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप शाम के टाइम या फिर मॉर्निंग के टाइम में आएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। जो दोपहर में आएंगे तो पसीने से आप मतलब परेशान हो जाएंगे, तो फिर मज़ा किरकिरा हो जाएगा। और यहाँ पे कपल्स भी आते रहते हैं एंजॉय करने के लिए। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई कार्व करके, ये जो है बनाई गई है सीढ़ियाँ। मैं चल के जाता हूँ इसके ऊपर। तो दोस्तों मैं अगली गुफा में घुस गया हूँ। रास्ता बड़ी नैरो है, जैसा कि आप देख सकते हो किस तरह से टूटा फूटा है। ये देखिए, ये आप देख, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर, ये इधर का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, बड़ा ही मतलब यूनिक है। दोस्तों पुराने टाइम में यानी कि 1970s के टाइम में यहाँ पे बहुत सारी हॉरर फिल्में भी शूट हुई है। हॉरर फिल्मों के अलावा रोमांटिक फिल्में भी शूट हुआ है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है खाना वीराना जो पिक्चर है हॉरर पिक्चर, वो इसी लोकेशन पे शूट हुई थी। गाइस आपको इस गुफा के बाहर, जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ से एक व्यू पॉइंट भी है। ये व्यू पॉइंट कितना ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से आप फोटोग्राफ सेल्फी वगैरह से ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और गाइस यहाँ नीचे खाई जैसा दिख रहा है, पर आप यहाँ से गिरोगे बहुत ही मतलब नीचे है, यहाँ आगे दूर तक आपको खाई नज़र आ रही होगी, देख सकते हैं आप। तो प्लीज़ इस रेलिंग जो है, ये रेलिंग बनी है, इस रेलिंग पे आप चलना मत, नहीं तो आपको गिरने का चांसेस हो सकता है। तो आप इस पर से बैठ सकते हो। और आप गुफा में घूमने के लिए आए तो गुफा में जाओ, घूमो, एंजॉय करो, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम कहीं पे भी विजिटर्स बन के जाते हैं किसी टूरिस्ट प्लेस पे घूमने के लिए, तो हमें उस जगह को सेफ रखना रहता है। और वहाँ पे कूड़ा कचरा, जैसे कि पानी का बॉटल पी लिए ऐसे ही फेंक दिए, कोई चिप्स वगैरह खा लिए ऐसे ही फेंक दिए, तो इस तरह की चीप हरकत हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ लोगों को, जैसा कि वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगा था उसमें लिखा हुआ था खेलना कूदना मना है और कचरा फैलाना इस तरह की चीज़ें मना है, फिर भी यहाँ पे लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये इस तरह की बातें हमें बोलना चाहिए, तो मैंने आपको बोल दिया। अगर आप यहाँ पे आएंगे कभी घूमने के लिए तो इस तरह की चीप हरकत प्लीज़ मत करना भाई। गाइस इसके अलावा यहाँ पे एक साइन बोर्ड दिख रहा है और जहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ रिमूव योर फुटवेयर हेयर स्लीपर शूज बिफोर एंटरिंग चत्या गुरुला, मतलब ये जो जगह है, ये जगह दिख रहा है आपको, यहाँ पे एंटर करने से पहले जूता चप्पल खोल ले, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है। तो दोस्तों इसने ऐसा साइन बोर्ड पर लिख के रखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे आके बिंदास घूम सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोस्तों ये जो गुफा है ये मैन मेड बनाया हुआ है, इसका जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हो ये स्ट्रक्चर, ये कार्व करके बनाया गया है। और इसके अंदर देखो बहुत बड़ा शिवलिंग है, आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ आके, बहुत बड़ा शिवलिंग है, करीब करीब इसकी हाइट 12 फीट के अप्रॉक्स होगी। तो ये सब जो है, और इसके अलावा और भी दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं इस तरह से, ऊपर में भी देख सकते हो आप, सारी मूर्तियाँ जो है कार्व करके बनाया हुआ है। तो ये सब मैन मेड है, बहुत अच्छा लग रहा है। और दोस्तों ये जो है गुफा महाकाली केव्स बहुत ही पुरानी है, तकरीबन मैं गूगल पे चेकआउट किया था तो इसकी जो है ओल्ड 2000 वर्ष पूर्व दिखा रहा था। तो ये बहुत ही पुराना है, और यहाँ पर आप आएंगे घूमने के लिए मुझे लग रहा है आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप मुंबई में रह रहे हैं तो आपको एक बार यहाँ पे आके विजिट करना चाहिए। दोस्तों ये जो गुफा है ये पुराने टाइम में यानी कि 1500 से 1800
वर्ष पूर्व ये मेडिटेशन का केंद्र हुआ करता था, अब ऐसा नहीं है। बस अभी तो टूरिस्ट प्लेस बना दिया है, लोग यहाँ पे आते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, तो अभी इस तरह का चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर देखिए, ऊपर भी एक लड़का फोटोग्राफी कर रहे हैं। और ये देखिए कितनी बड़ी गुफाएँ, इसके अंदर भी हम जाएंगे। और ये इस तरह से ये जो रास्ता जाती है आगे तक, मुझे लगता है आगे एंड है इसका। इतना पुराना होने के बावजूद भी ये इस तरह से दिख रहा है, तो ये चीज़ बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा अपने को। और अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक वाटर टैंक लगा हुआ है। और जहाँ तक मैं चल के आ रहा हूँ, मुझे और भी वाटर टैंक्स आप देख सकते हो, यहाँ पे पानी गिर रहा है। इधर से भी कहाँ से पानी गिर रहा है पानी, लेकिन यहाँ से पानी गिर रहा है। दोस्तों गुफा में जैसे ही घुसते हैं तो बस अंधेरा हो जाता है, क्योंकि गुफाएं को जो है यहाँ पे सनलाइट नहीं आती है ना। आप देख सकते हो अंधेरा लग रहा होगा। ये देखो ये कार्व करके और इस तरह भी कार्व करके बनाया हुआ है। मुझे लग रहा है आपको दिख भी नहीं रहा होगा, फिर मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने का। इस तरह भी कार्व करके देखो बनाया हुआ है। तो और ये स्तंभ आप देख सकते हो, ये स्तंभ। और आप तहखाना नाम की फिल्म देखेंगे तो आपको यही वाला सेम टू सेम यही वाला स्तंभ आपको दिखेगा, ये स्तंभ। इस बीच से जो है लड़कियाँ भागती रहती है। ओ भाई, ऊपर जाने का रास्ता? अरे भाई, इधर से तो वैसा बना हुआ नहीं है ना स्ट्रक्चर, अंदर उतना मज़ेदार नहीं है। वो अंदर से तो मैं घूम के आ ही गया, अब जाना है ऊपर। थोड़ा ऊपर मना किया है, लेकिन फिर भी लोग जा रहे, तो हम भी सोचे चले ही जाते हैं। सो गाइस, मैं अभी फाइंड आउट करने में लगा हूँ कि ऊपर कैसे जाएंगे। ये जो ऊपर है ना, ऊपर से सिटी का जो व्यू है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब कि अच्छा लगता है। तो मैं वही खोज रहा हूँ रास्ता, मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा है। सो गाइस, हमने जो तो सामने का जो था ना, सामने का जो गुफा था, वहाँ पे 15 गुफाएं, तो हमने देख लिया, हमने अच्छा एक्सपीरियंस भी किया है। और अभी यहाँ जो है पीछे बैक साइड में, ये बैक साइड है, बैक साइड में 4 गुफाएं हैं। हम अभी उधर जा कर देखेंगे कि यहाँ का कैसा व्यू है। तो बने रहिए हमारे साथ। सो गाइस, यहाँ पे भी वाटर टैंक्स है। और गाइस, बात ऐसा है ना कि हर जगह जो है गुफा सेम है, मतलब कोई भी गुफा अलग नहीं है, सब एक जैसा ही दिखने में लगता है। आप देख सकते हो इस तरह का स्ट्रक्चर उधर भी था और इधर भी है, फ्रंट साइड में इसी तरह का सेम स्ट्रक्चर, और बैक साइड में भी सेम स्ट्रक्चर। ये देखो, आप देख सकते हो, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फ्रंट देख लिए हैं तो, अरे बैक साइड नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं है, चलेगा। और सामने से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर चढ़ने के लिए। सो गाइस, बात ऐसी है कि वहाँ जब हम टिकट ले रहे थे, तो वहाँ जो वॉचमैन वगैरह सब थे, जो भी टिकट वगैरह के बारे में बताते थे, और जो कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे बोर्ड लगने के बावजूद भी। तो उन्होंने बताए थे कि ऊपर नहीं जाना है, ऊपर जाना मना है। लेकिन जब हम यहाँ पे घूमने आए तो देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग ऊपर घूम रहे हैं, तो हम भी अपना घूम रहे हैं, क्या कर सकते हैं। ऐसी बात है तो फिर प्रॉपर कोई रिस्ट्रिक्शन बोर्ड होना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम आए हैं ऊपर घूमने के लिए, और ऊपर से हमें सिटी का व्यू मिलने वाला है। तो अभी हम व्यू वाले जगह पर नहीं हैं, बस ऐसे रेंडमली घूम रहे हैं। इस तरह की जगह है, एकदम हिल स्टेशन जैसी फील हो रही है। आप कहीं पे भी जाओगे ना हिल स्टेशन, तो उस तरह के फील लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और हवाएं ठंडी बह रही हैं, बहुत ही मतलब सुकून शांति अच्छा लग रहा है। सो गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि महाकाली केव्स के जो ऊपर जो पॉइंट है, व्यू पॉइंट, वहाँ मतलब कुछ खास नहीं है, और यहाँ पे मना किया हुआ भी है। जब मैं टिकट ले रहा था तो मुझे उसी टाइम मना किया कि आप ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो इस वजह से हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए। और यहाँ कुछ खास है भी नहीं,
तो अच्छा रहेगा। गाइडलाइंस को भी हम फॉलो कर लेंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। वहाँ के नीचे जो है बहुत अच्छे अच्छे व्यू हैं, वहाँ आप देखिए, एंजॉय कीजिए, एंजॉय करने के लिए बनाया हुआ है। आप कहीं पर भी जाइए विजिटर्स बन के विजिटिंग प्लेस पे, तो वहाँ के जो गाइडलाइंस है कृपया उसे फॉलो करें। तो दोस्तों, ये जो पहाड़ी है, इसे पहाड़ी ही कह सकते हैं, महाकाली केव्स के जो ऊपर हैं, और ऊपर से दोस्तों आपको वो दिख रहा होगा हाईवे, वो एक्सप्रेस वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, और ऊपर से नीचे का व्यू कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं।